बेला सब जन थोड़ी रे यहां गेरी डर रे डर बे भगरे भगरे सीधा करे रह रे अरे एक जन चढ़ है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 साल से खड़ी हुई ई रिक्शा को निकाल कर आराम से रे आराम से और इसे निकाल कर अभी रोड पे लेके जा रहे हैं और अब इसकी साफ सफाई होगी, इसकी धुलाई होगी और इसके बाद इसमें नई बैटरी लगाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। देख सकते हैं कि बच्चे लोग कैसे देख सकते हैं और थोड़ा ऊपर से खींच आराम से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसको ढक के रखा गया था, ये देखो ये कपड़ा लगा हुआ है ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे। इसके ऊपर में एक छाया बनाया गया था लकड़ी। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईबी लाइव न्यूज पर। आज बहुत दिनों के बाद में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ और यह है हमारा घर टूटा फूटा सा जो आपको सामने में दिख रहा है। बताएंगे भी और बताएंगे भी कि जो 2017 में लॉन्च हुई थी महिंद्रा की ई रिक्शा, महिंद्रा का फर्स्ट मॉडल रिक्शा के नाम से अल्फा मिनी महिंद्रा की है और ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी 2020 में और उसी गाड़ी की मैं आज आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ कि 2020 में लेने के बाद में मैंने कितने दिन उसको चलाया और अभी वो कहाँ है और किस कंडीशन में है। लगभग 3 साल से वो एक ही जगह पे खड़ी हुई है और अभी कैसी है, उसकी हालत कैसी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और पूरी वीडियो में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फा मिनी का स्ट्रक्चर अभी कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है हमारी महिंद्रा की अल्फा मिनी जो कि हमने 2020 में लिए थे और लगभग ये 3 साल से ऊपर होने जा रहा है और ये एक ही जगह पे खड़ी हुई है। अभी इसकी कंडीशन क्या है, इसकी हालत क्या है, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि 3 साल से खड़ी हुई ई रिक्शा और इसके ऊपर माटी भी गिर चुकी है और घास भी है और इसके अंदर अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी अंदर में और क्या क्या इसको प्रॉब्लम आई है। तो इस वीडियो को पूरा एंड, तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको आज पूरी और सही जानकारी मिले कि आखिर जो महिंद्रा की अल्फा मिनी है ई रिक्शा है ये 3 साल से खड़ी हुई है, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी हालत क्या है, किस हालत में अभी है यहाँ पर और ये चलने लायक है या नहीं चलने लायक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखते रहें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे की बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप देख सकते हैं कि ई रिक्शा के दोनों साइड में घास जड़ी हुई है, बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं और काफ़ी मिट्टी दोनों साइड से जमा हो चुकी है। यहाँ पर ये घर था और घर गिर चुका है, अब इसको हम बाहर निकालेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके टायर कैसे हैं, टायर में हवा है या नहीं है। आपको यहाँ पे महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलेगी, ये देख सकते हैं अल्फा मिनी का आपको लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे इतनी घास जमी हुई है और इसके टायर लगभग पूरे मिट्टी के अंदर हैं। ये देख सकते हैं ये मिट्टी है और ये घास है, इतने इसके टायर मिट्टी के अंदर में धंसे हुए हैं और इस साइड की कमानी भी पूरी गल चुकी है। ये देख लो एक कमानी है लेकिन टायर पूरा अंदर ज़मीन में धंसा हुआ है। अब मैं आपको इसके आगे का शो दिखा देता हूँ और यह है इसकी सीट वगैरह, क्योंकि इसको लेने के बाद हमने मॉडिफाई करवाया हुआ था, ये देख सकते हैं। और इसके आगे का साइड कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि इसको ढक के रखा गया था
ये देखो ये कपड़ा लगा हुआ है ताकि थोड़ी सेफ्टी रहे। इसके ऊपर में एक छाया बनाया गया था लकड़ी का और ये पूरी तरह से गल चुका है, ख़राब हो चुका है। एक मिनट ये आराम से लकड़ी निकाल लेना, कर लेना, ये थोड़ी पकड़ता हूँ। लकड़ी वकड़ी सब निकाल ले आराम से। हाँ इसे सब आस यादव जी बढ़िया काम कर। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग इसको निकाल रहे हैं। ये मेरी ही गाड़ी है और मैं इसको 2017 है 20 में ख़रीदा हुआ था और मैं इसको चला रहा था मेरे दोस्तों, लेकिन कुछ मजबूरियां थी इसकी वजह से इसे खड़ा करना पड़ा था। और जब से ये खड़ा हुई थी जब से आज तक इसकी उम्र 3 साल हो चुकी है खड़े खड़े एक ही जगह पे। अब हम इसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि ये बाहर निकल पाती है या नहीं निकल पाती है। हिल भी नहीं रही है और इसके ऊपर ये देखो लकड़ी टिक चुकी है, ऊपर पेड़ भी आ चुका है, एकदम सड़ चुका है और बहुत ही हालात इसकी ख़राब दिख रही है। ये देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड, स्टेयरिंग, दोनों साइड में मैंने स्पीकर लगवाया हुआ था, म्यूजिक सिस्टम, हैंड ब्रेक लगा हुआ है और इसका सामने वाला कांच फूट चुका है। और ये पीछे की कंडीशन इस प्रकार से है, हुड मैंने अलग से लगवाया हुआ था, इसका सीलिंग और हुड मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसकी मॉडिफाई करवाई थी। चलो इसको थोड़ा धक्का वहां से सीधा करके यहाँ का काटे यहाँ करी पहला सब झंड थोड़ी रे यहाँ गिरी भगरे भगरे सीधा करे रहे रे। अरे एक झंड चढ़ा ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 3 साल से खड़ी हुई ई रिक्शा को निकाल कर आराम से और इसे निकाल कर अभी रोड पे लेके जा रहे हैं और अब इसकी साफ सफाई होगी, इसकी धुलाई होगी और इसके बाद इसमें नई बैटरी लगाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इसकी कंडीशन क्या है। देख सकते हैं कि बच्चे लोग कैसे, तो देख सकते हैं हमारी ये महिंद्रा की अल्फा मिनी, इसे 3 साल से खड़ी हुई थी एक जगह पर और इसे निकाल कर लेकर आ रहे हैं। अब इसकी धुलाई होगी, बढ़िया साफ सफाई करेंगे, इसके बाद में इसको चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है और इसमें नई बैटरी डाली जाएगी क्योंकि इस पर अभी बैटरी नहीं है। ये देखो ए हो बस रुक जा ये देखो डबल ड्राइवर, ये देखो दोनों ड्राइवर हैं और बाकी पब्लिक धक्का लगा रही है पीछे से और इस पर बैटरी नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियर, ये देख सकते हैं इस पर बैटरी ही नहीं है और यहाँ पे हम अभी नई बैटरी लगाएंगे और इसके बाद में इसको चेक करेंगे कि ये चालू है या नहीं है और क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि ये लगभग 5 साल पुरानी गाड़ी है महिंद्रा की अल्फा मिनी ई रिक्शा और इसे फिर से दोबारा हम चालू करेंगे क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी गाड़ी को ख़रीदा था और इसका कांच भी फूट चुका है ये देख सकते हैं। और ये कैसे फूटा है अभी समझ में नहीं आ रहा है।